थी उससे करीब 5% की गिरावट हमने लिस्टिंग के साथ ही इसमें देखी है। 136.80 रुपये पर तलवा का लाइफस्टाइल, ये जो इनका पूरा जिम का कारोबार है, इसकी लिस्टिंग आज हुई है और हम देख रहे हैं आज का बाजार मजबूत है, लेकिन तलवलकर लाइफस्टाइल की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं, कमज़ोर शुरुआत तलवलकर लाइफस्टाइल की होती हुई। इसके मैनेजमेंट से भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ये पूरा जो इनका जिम कारोबार है ये इसके अंतर्गत आता है और इसकी लिस्टिंग जो है अभी जो नज़र आई है 5% करीब नीचे लिस्ट होता हुआ। और मेरे साथ जॉइंट रेक कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर जुड़ रहे हैं। अविनाश, गुड मॉर्निंग। तलवलकर लाइफस्टाइल इन लेवल्स पर हमें जहां दिख रहा है कमजोर शुरुआत, आप क्या कहेंगे यहां पर, क्या करने की सलाह देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रियंका ये जो बिजनेस जिमनेजियम का लिस्ट होगा काफी समय से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि जो बिजनेस अभी लिस्ट हुआ है पहले वो उनका लाइफस्टाइल और ब्यूटी बिजनेस था। जिमनेजियम बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये काफी बड़ा एक्सपोजर रखते हैं। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है, प्लस ये डीमर्जर के बाद यू नो बिजनेस में जो लोगों की पहले जो डाउट्स थी रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी की, वो मेरे ख्याल से काफी हद तक दूर हो जाएंगी। तो हालांकि स्टॉक आज थोड़ा सा कमजोर जरूर खुला है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स हमको लग रहा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग होने की उम्मीद है। तो लॉन्गर टर्म के लिए किसी को अगर खरीदना है तो मेरे ख्याल से इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए।